स्वामी जी, क्या चोट लग जाए कभी उसकी वजह से भी गांठ बन सकती है? मैं बहुत सारे सवाल देख रहा हूँ, उसमें से एक मेरे नजर के सामने से गुजरा कि चोट लगने के बाद पीठ में गांठ सी बन गई, तो ये किस तरह की गांठ हुई? अच्छा, इसी में एक छोटी सी बात और जोड़ दूं स्वामी जी, कई लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं तो उनके यहाँ पर उंगलियों में भी गांठें बन जाती है, हालांकि वो बहुत छोटी छोटी गांठें होती हैं। उंगलियों की गांठें तो कई कारणों से बन जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ बाधित होता है वहाँ पर भी गांठ बन जाती है, अर्थराइटिस के कारण से भी गांठें बन जाती हैं, और किसी किसी को मैंने देखा भाइयों को भी और महिलाओं को भी यहाँ पर भी गांठ बन जाती है तो, और किसी किसी को घुटने के यहाँ ऊपर, किसी किसी को घुटने के नीचे भी गांठ बन जाती है। वो सभी के लिए आज हम बता रहे हैं, वो थोड़ा जहाँ गांठ हो वहाँ थोड़ा ऐसे एक्टिविटी भी करें, ऐसे इस तरह से, जहाँ पर भी किसी को या एड़ी के पास गांठ होती है, किसी को या घुटने के नीचे गांठ होती है, तो जहाँ गांठ होती है वहाँ का थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लिया करें, और उसके साथ साथ कपाल भाति करें, और जो उपाय मैंने पहले बताए उनको पूरा करेंगे तो ये गांठें पूरी तरह से मेल्ट हो जाती हैं। और कई बार ये हाथों के पैरों के यहाँ जो इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी गांठ होती है तो ये जो पाँचों एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताते हैं चैनल, इससे सियाटिका भी दूर होता है, घुटने का दर्द भी दूर होता है, इससे गठिया भी दूर होता है, और इससे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। दरअसल 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जो चैनल है इनको दबाने से ये गांठों में अद्भुत लाभ होगा। ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ बाधित होता है वहाँ फैट सेल डिपॉजिट हो जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म जिनका कमज़ोर रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन बाधित होता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है, और उन्हीं के लिए हम ये हल्दी का प्रयोग बता रहे थे। और यदि किसी किसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहने से फेफड़ों में गांठें बन जाती हैं तो दूध में हल्दी शिलाजीत और केसर का सेवन करें, दूध में हल्दी शिलाजीत और केसर भी ले लेंगे तो फिर ये गांठ का खात्मा हो जाएगा। राहुल, एक हमारे दर्शक हैं, वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ को ब्रेस्ट में हार्मोन्स वाली गांठें हैं, ब्रेस्ट में उनके दर्द भी होता है, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? हार्मोन्स वाली गांठ है उन्हें, तो उनको जी ये गांठें भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी, कपाल भाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ, और जो पहले उपाय बता चुके उनके साथ साथ काचनार, संजीवनी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी एक एक गोली ले, और दशमूल क्वाथ पिए। दशमूल क्वाथ लेडीज के हर समस्या का समाधान है, तो दशमूल क्वाथ सुबह शाम उबाल करके पी ले, और यदि पीरियड भी इरेगुलर हैं तो रजप प्रवर्तनी भट्टी ले लें, दो दो गोली, नहीं तो हमने नारी सुधा तो बना ही रखा, नारी सुधा सिरप भी है और नारी सुधा टैबलेट भी हमने बना दिया लेडीज के लिए, तो उसका भी। स्वामी जी, कपाल भाती और प्राणायाम के अलावा भी कोई ऐसे योग अभ्यास है जिससे हार्मोन्स वाली ये जो गांठें हैं या जो ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है महिलाओं में, वो दूर किया जा सकता है? देखिए, कपाल भाति, अनुलोम विलोम ही मुख्य प्राणायाम है, इसके अलावा यदि गले में गांठ है तो उज्जाई, ऐसे होल्ड करके फिर लगभग आधा मिनट तक रखना, बाएं से छोड़ देना, और सूर्य भेदी प्राणायाम लगातार दाएं से लेना। सूर्य उदय पूरा हो चुका है, सूर्य की किरणों में बैठ करके, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगा करके और यदि प्राणायाम किया जाए तो उसका अप्रतिम लाभ होता है। और उसमें यदि दशमूल से या निर्गुंडी से स्नेहन और स्वेदन, जो औषधीय तेल है, पत्रपिंड मसाज है, पोटली मसाज है, और उसके बाद में दशमूल से स्वेदन लेते हैं जो स्टीम बॉक्स में डाल करके बैठा देते हैं, उससे भी गांठें बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। हमेशा दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। ये गांठों को मेल्ट करने में, बड़े हुए फैट को मेल्ट करने में, ये कफ कोल्ड में। अच्छा स्वामी जी, जैसे मैंने आपसे पूछा लाभ करता है कि चोट लगने की वजह से क्या गांठ हो सकती है, आपने बताया, उसका भी जवाब दिया। एक सवाल प्रीतुल सिंह का है, यूट्यूब के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं।
वो बता रहे हैं कि उन्होंने कमर में इंजेक्शन लिया था और उस इंजेक्शन लेने के बाद उनको गांठ बन गई और अब वो डर रहे हैं इस बात से कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं हो सकता है, तो क्या उनको परेशान होने की ज़रूरत है और ये गांठ कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं? ये इंजेक्शन के बाद आपने बहुत ठीक कहा हुसैन भाई, ये इंजेक्शन के बाद तो गांठ बनने की करीब 20-25% लोगों में संभावना होती है। और जो है इसके लिए बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ, सरसों का तिल का तेल या गाय का घी ले लें 1 चम्मच, उसके अंदर एलोवेरा डाल लें, एलोवेरा फिटकरी, फिटकरी का पाउडर करके एलोवेरा फिटकरी गुड़ और शीशम के पत्ते, एलोवेरा गुड़ फिटकरी शीशम के पत्ते हल्दी, ये उसको अच्छी तरह से आग पर पका लिया और पकाने के बाद यहाँ हाथ में इंजेक्शन लगाया, कुल्ले पर इंजेक्शन लगाया, कहीं पर भी इंजेक्शन लगाया वहीं पर उसको रात को बांध करके छोड़ दे, 3 से 7 दिन के अंदर मैक्सिमम गांठ अपने आप घुल जाएगी। गुड़ फिटकरी हल्दी एलोवेरा इनको लेकर के और शीशम के पत्ते और उसका पेस्ट बना करके और उसको पका करके गाय के घी में सरसों के तेल में या तिल के तेल में उसको बांध दिया करें। और ये प्रयोग तो हमने अपने जैसे कहते हैं ना दादा दादी नाना नानी से सीखा हुआ है और ये आजमाया हुआ है खुद भी, और हमारे भी गांठें हुई थी, ये देखो ये नस्त्र बड़े बड़े नस्त्र फिर गांठ बन गई थी, हमने भी खुद आजमाया हुआ है, यहाँ पर भी ये आजमाया हुआ है दोनों हाथों में और पैर में भी आजमाया हुआ है। तो लगातार हमारे साथ योग करके लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है और ऐसे लोग जो हैं वो प्रेरणा का स्रोत हैं और ऐसे लोगों की बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। तो स्वामी जी, हम रोज़ाना हमारे साथ करोड़ों दर्शक जो योग कर रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी बदल रही है, तो ऐसे ही एक दर्शक हमारी हैं जबलपुर के रहने वाली नीलम मेहता, वो बता रहे हैं कि योग ने उनकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव किया है, सुनिए ज़रा उनको। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी इंडिया टीवी के प्रोग्राम में स्वामी रामदेव जी को फॉलो किया। शुरू में तो मैं सिर्फ 1 महीना ये प्रोग्राम देखती थी, उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्राम साथ में मेरे को एक्सरसाइज और योगा साथ साथ करनी चाहिए और मैंने इसको फॉलो किया। ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे आता है और बाई चांस कभी मैं मिस कर जाती थी तो मैं फिर रिपीटिशन टाइम है इसका 5 बजे इवनिंग में तो उसको देख के ज़रूर करती थी, लेकिन कोशिश यही होती थी कि मिस ना करूं। और इस सब के रिज़ल्ट ये रहे कि मैंने अपना 12 किलो वज़न इस पूरी जर्नी में कम किया। तो स्वामी जी के साथ मिलकर इंडिया टीवी ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आपकी भी ज़िंदगी में योग की वजह से कोई बदलाव आया है, खुशियाँ आई हैं, तो आप अपना वीडियो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, हम भी उसे शेयर करेंगे। स्वामी जी इस वक्त शीर्षासन कर रहे हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं जी, हुसैन भाई नीलम मेहता की तरह लाखों करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदली। और मैं इसलिए कर रहा हूँ शीर्षासन कि जो शुरू से ही शीर्षासन करेंगे उनको कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो अपने बच्चों को शीर्षासन और जो शीर्षासन ना कर सके उनको सर्वांगासन जरूर बताया करें और रोज 1 से 2 मिनट शीर्षासन और सर्वांगासन जरूर अपने बच्चों को करवाए करें। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।